जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की अपडेट है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आज की काफी सारी अपडेट है, काफी सारा परिवर्तन हुआ है, तो वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होना था 30 जुलाई को, जिसके लिए सब सारी चीजें जो थी आपकी वो क्लियर कर दी गई थी, बच्चों के एडमिट कार्ड भी आ गए थे, लेकिन एक बार फिर से उस डेट को बदल दिया गया है। अब आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका 30 जुलाई को ना होके अब वो आपका होगा 6 अगस्त को, यानी कि जो बीएड का 2 ईयर बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम होना था 30 जुलाई को, अब वो 30 जुलाई को ना होके अब वो आपका होगा 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त को हमारा वो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा, सेंटर वही रहेंगे, एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड होंगे या फिर नहीं होंगे ये अभी क्लियर नहीं है, यानी कि उन्हीं एडमिट कार्ड से काम चल जाएगा, तो ये अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही क्लियर होगा तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, लेकिन ये क्लियर हो गया कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है अब आपका वो 6 अगस्त को होने वाला है। अब इससे आगे बात करें, जो सीसीएस की अपडेट की बात करें, तो सीसीएस में जो हमारे 29 और 30 अगस्त के पेपर जो है कैंसिल किए गए थे, यानी कि पोस्टपोन किए गए थे, आगे बढ़ाए गए थे, उनकी डेट आगे की गई थी 9 अगस्त और 10 अगस्त को, तो अब फिर से उनके जो वो एग्जाम है 29 और 30 अगस्त को ही होने वाले हैं, यानी कि उनके जो एग्जाम आगे बढ़ाए थे अब फिर से वो उसी डेट पर होने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह के बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो आपके जो 29 और 30 तारीख के एग्जाम है, 29 और 30 जुलाई वाले एग्जाम, वो आपके उसी डेट में होने वाले हैं, अब 9 और 10 अगस्त के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम आगे बढ़ाए थे वो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की वजह से आगे बढ़ाए थे। अब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल हो गया है, यानी कि आगे बढ़ गया है, तो इसीलिए आपके जो एग्जाम है उसी डेट में अब कराए जाएंगे। आगे बात करते हैं जो लॉ के लिए, जो लॉ के हमारे एग्जाम होने हैं, तो लॉ के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जो हमारे 26 तारीख से एग्जाम होने हैं, तो उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो ऑनलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, लगभग 6000 बच्चों ने ऑनलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जो अब ऑनलाइन एग्जाम देंगे, लगभग 6000 बच्चे एग्जाम देंगे, क्योंकि एग्जाम को सेलेक्ट करने की जो, यानी कि जो पैटर्न को सेलेक्ट करने की जो डेट थी वो कल लास्ट डेट थी, और इसके लिए जो हम ऑनलाइन एग्जाम होना है, हो सकता है जो ट्रायल है वो कल कराया जाए, यानी कि एग्जाम से पहले एक ट्रायल इसका कराया जाए, वो हो सकता है कल हो सकता है। इससे आगे जो सीसीएस में बीयूएमएस की जो परीक्षाएं होनी है उसकी जो परीक्षाएं होंगी वो 2 अगस्त से होगी, उनकी जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है, वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या जो हमारा फेसबुक पेज है वहां पर जाकर देख सकते हैं, डेट शीट जारी कर दी गई है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।